उदाहरण 10। एक समांतर श्रेणी का पीवा पद Q और क्यूवा पद P है, तो श्रेणी का एमवा पद ज्ञात कीजिए। हल, मान लीजिए समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सार्वांतर अंतर सार्वांतर डी है। यहां समांतर श्रेणी का पीवा पद प्रश्न अनुसार क्यों दिया है, इसीलिए हमारे पास सूत्र है ए धन एन के स्थान पे हम लिखेंगे पी ऋण एक कोष्टक बंद डी। हमने यहां सूत्र लिए लिया है ए धन एन ऋण एक कोष्टक में गुणा डी बराबर एक एन के स्थान में हमने पी रखा है, तो ए धन पी ऋण एक कोष्टक में गुणा डी बराबर क्यू, इसे हम समीकरण एक मानते हैं। समांतर समांतर श्रेणी का क्यूवा पद पद प्रश्न अनुसार दिया हुआ है पी, इसीलिए ए धन क्यूवा पद के लिए हम एन के स्थान पे क्यू रखेंगे क्यू ऋण एक कोष्टक बंद गुणा डी बराबर यह दिया है पी। ये हो गया हमारा समीकरण दो। समीकरण एक में समीकरण दो को घटाने पर समीकरण एक जो है हमारे पास है ए धन कोष्टक में पी ऋण एक कोष्टक बंद गुणा डी बराबर क्यू, ये हमारा समीकरण एक है। और समीकरण दो को हम घटाएंगे इससे, तो ए धन कोष्टक में क्यू ऋण एक कोष्टक बंद डी बराबर पी, इसे हमें घटाना है। तो घटाने के लिए हम दूसरे समीकरण के चिन्हों को बदलेंगे, धन के स्थान पे ऋण, यहाँ दूसरे स्थान यहाँ धन के स्थान पे ऋण और यहाँ पे भी ऋण, तो ए ऋण ए शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे इसको घटाएंगे तो हम इसे कोष्टक में लिखेंगे, कोष्टक में हम लिखेंगे पहले पी ऋण एक, डी को उभयनिष्ठ ले लेंगे, ऋण घटा रहे हैं तो ये इसका चिन्ह बदला तो ये ऋण, और दूसरे कोष्टक में क्यू ऋण एक कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद और उभयनिष्ठ हमने डी सर्वांतर डी को उभयनिष्ठ निकाला है बराबर क्यू ऋण पी। अब छोटे कोष्टक को खोलने पर हमें प्राप्त होता है पी ऋण एक ऋण क्यू, और ऋण को ऋण एक से गुणा करेंगे तो ऋण एक को ऋण एक से गुणा करेंगे तो धन एक कोष बड़ा कोष्टक बन डी बराबर क्यू ऋण पी। अब ऋण एक और धन एक कट जाएगा तो हमें कोष्टक के अंदर मिलेगा पी ऋण क्यू कोष्टक बन डी बराबर यहाँ पे फिर हमें प्राप्त हुआ क्यू ऋण पी या डी बराबर, यहाँ से हम ऋण एक को उभयनिष्ठ निकालेंगे तो ऋण एक निकाले हम ऋण लिखेंगे और एक को छोड़ देंगे, और उसके बाद हम ऋण क्योंकि हमने ऋण एक को निकाला है
तो पहले धनात्मक संख्या यहाँ पी बन जाएगा और ऋण एक को निकालने से ये ऋण धन क्यू जो है ऋण क्यू बन जाएगा बटा, इसका पक्षांतर करेंगे तो पी ऋण क्यू। तो इस तरह से हमें प्राप्त होता है डी बराबर अंश में कोष्टक में पी ऋण क्यू और हर में कोष्टक में पी ऋण क्यू कट जाएगा क्योंकि दोनों समान है कोष्टक के अंदर की संख्या। तो डी का मान हमें प्राप्त होगा एक, इसे हम समीकरण तीन मानते हैं। आगे देखते हैं अगले पृष्ठ पर। चलिए आगे देखते हैं, हमको मिला था डी बराबर ऋण एक जिसे हमने समीकरण तीन नाम दिया था। अब समीकरण तीन से डी का मान समीकरण एक में रखने पर हमारे पास समीकरण एक जो था वह था ए धन कोष्टक में पी ऋण एक कोष्टक बंद गुणा डी बराबर क्यू। इस पहले समीकरण में हम डी का मान रखेंगे, डी का मान हमें ऋण एक प्राप्त हुआ है तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए धन कोष्टक में पी ऋण एक कोष्टक बंद, और क्योंकि डी का मान हमें ऋण एक मिला है तो उसे हम कोष्टक में ऋण एक लिखेंगे बराबर क्यू, या ए बराबर कोष्टक को खोलेंगे हम तो हमें प्राप्त होगा ए, या ए बराबर इसका हम पक्षांतर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा क्यू धन ये ऋण एक को जब हम पूरा पक्षांतर करेंगे दूसरे पद को तो ये धनात्मक में हो जाएगा तो ये q के स्थान पे q और ये हमें कोष्टक में मिलेगा p ऋण एक, ये ऋण जो है पक्षांतर करने में धनात्मक हो गया है, या a बराबर q धन p ऋण एक, इसे हम समीकरण चार नाम देते हैं। अब श्रेणी का एमवा पद ए एम बराबर ए प्लस एम ऋण एक गुणा डी, हमने सूत्र लगाया ए धन एन ऋण एक कोष्टक में गुणा डी। यहां पे हमें एमवा पद निकालना है तो हम एन की जगह एम एम को रख दिए। अब यहां पे हम एक ए का मान जो निकाले थे वो निकाले थे पी धन क्यू ऋण एक, इसे हम कोष्टक में लिख लेते हैं धन कोष्टक में एम ऋण एक कोष्टक बंद, और हमने डी का मान ऋण एक ज्ञात किया था समीकरण तीन से, इसे हम डी के स्थान पर ऋण एक लिख लेते हैं बराबर। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा पी धन क्यू ऋण एक, और जब हम कोष्टक खोलेंगे ये दोनों कोष्टक को जब गुणा करेंगे ऋण एक जब गुणा होगा तो एम ऋण एम धन एम ऋण एम बन जाएगा और ऋण एक को ऋण एक से गुणा करने पर धन एक बनेगा। यहाँ पे ऋण एक और धन एक कट जाएगा, इसका मान शून्य हो जाएगा तो हमें प्राप्त होगा पी धन क्यू ऋण एम। इसलिए श्रेणी का एमवा पद जो है उसका मान है P धन Q ऋण M। तो हमने ज्ञात किया कि दी गई श्रेणी का एमवा पद जो है वह P धन Q ऋण M होगा। यह इस उदाहरण का हल है।